Good morning, student. Now, today's lecture, we are going to see what is meant by crankcase ventilation. The crankcase ventilation is also known as positive crankcase ventilation or PCV. In the last lecture, जो पिछले series of lecture हमने देखे थे, in this lecture we have studied what is meant by EGR, that is exhaust gas recirculation. This PCV, that is positive crankcase ventilation, is similar to EGR. Both these methods are used to reduce the combustions from the engines. Now यहां पर देखिए, ये क्रैंकेस वेंटिलेशन क्या होता है, ठीक है? जैसे ऑटोमोबाइल्स में हम पिस्टन सिलेंडर पिस्टन रिंग से अरेंजमेंट जब यूज करते हैं, तो इस अरेंजमेंट में देर इज सर्टन गैप। कहां पे गैप होता है? जो पिस्टन रिंग का और जो अंदर का जो सिलेंडर का कैविटी है, इसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है और ये हमेशा गैप वहां पे मौजूद होता है। हमेशा के लिए मतलब कैसा होता है, पिस्टन रिंग्स का और सिलेंड्रिकल कैविटी का एक परफेक्ट सीलिंग कभी भी नहीं रहता और हमेशा कुछ ना कुछ गैप वहां पे मौजूद होता है। ये गैप हम ऑयल के हिसाब से उसको सील कर सकते हैं, बट हमेशा ऑयल का लेयर वहां पे मौजूद रहने का संभावना काफी कम होती है, ठीक है? जब अपना इंजन रनिंग होता है, जब इंजन इज रनिंग एट हाई आरपीएम, इन दैट केस द प्रेशर ऑफ कंबशन, जो कंबशन प्रोसेस वहां पे होता है सिलेंडर में, उसका जो प्रोडक्ट है दैट इज कंबशन गैसेस। दिस कंबशन गैसेस इज हैविंग अ वेरी हाई प्रेशर और ये हाई प्रेशर की वजह से देयर इज अ चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ दिस गैसेस। और कहां से लीक होता है? ये सिलेंडर वॉल और पिस्टन रिंग के बीच का जो गैप होता है, वो गैप में से ये हाई प्रेशर गैसेस लीक होने का चांसेस है। और ये कहां पे जाते हैं? दिस गैसेस गोज इनटू क्रैंककेस और क्रैंककेस में इनका एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम कंबशन चेंबर इनटू द क्रैंककेस इज नोन एज ब्लो बाय। ओके, अभी अगर ये क्रैंककेस को अगर हमने ओपनिंग दिया और ये ओपनिंग अगर हमने एटमोस्फेयर के साथ कनेक्ट किया, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारे जो गैसेस जो क्रैंककेस में सब जमा हो गए हैं, वो सब एटमोस्फेयर में चले जाएंगे और ये गैसेस काफी हार्मफुल होते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स आर हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट। इसीलिए ये गैसेस का प्रॉपर उनका प्रोसेस होना चाहिए, उनको जो हार्मफुलनेस होता है उनका, वो हार्मफुलनेस अपने को कम करना चाहिए। ये प्रोसेस होने के बाद ये गैसेस फिर हम एग्जॉस्ट में से जाके हमारे एटमॉस्फेयर में आ सकते हैं और ये प्रोसेस करने के लिए वी आर यूजिंग द सिस्टम ऑफ क्रैंककेस वेंटिलेशन, ठीक है? और इसको हम बुलाते हैं पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन, पीसीवी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है?
किसी को कुछ दिक्कत है, समझ में आ रहा है? एनीबडी ऑफ यू कैन गिव मी फीडबैक? यस सर. हेलो. ओके. नाउ हाउ दिस पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन ऑपरेट्स, ये अभी अपना क्वेश्चन है. तो वो ऑपरेट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस वॉल. यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे देर इज वन वॉल एंड दिस वॉल इज नोन एज पीसीबी वॉल. ओके. नाउ ये पीसीबी वॉल का क्या फंक्शन है? ओके. ये पीसीबी वॉल क्या करता है, हमारा जो क्रैंकेस होता है वो क्रैंकेस को हमारा जो इनलेट का सिस्टम होता है इंजन का, जहां से हम क्या करते हैं एयर को लेते हैं कंबशन के लिए, वो क्रैंकेस को ये इनलेट सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का काम हमारा पीसीबी वॉल करता है. जब भी हमारे क्रैंकेस में देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ कंबशन गैसेस, दिस कंबशन गैसेस आर डाइवर्टेड बैक टू द इनलेट वॉल ऑफ द इंजिन बाय यूजिंग दिस पीसीबी वॉल. And the system uses a calibrated orifice or a separator, air inlet filter and hoses. PCB wall के साथ साथ. Now ये दूसरे चीजें आपने को क्यों चाहिए, जैसे कि आपने को air inlet का filter क्यों चाहिए? तो ये gases जो होते हैं हम crankcase में से जो engine में divert करते हैं, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द ऑयल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्रैंकेस टू मूव विथ दिस कंबशन गैसेस इन टू द इनटेक वॉल और द इनटेक ऑफ द कंबशन चैम्बर. एंड टू अवॉइड दिस वी आर यूजिंग अ ऑयल सेपरेटर. The function of the oil separator is to separate the oil from the crankcase and supply only the combustion gases to the intake valve. Also, there is a water separator. The purpose of the water separator is to separate the moisture particles coming towards the PCB wall. If the oil particles or the water particles, that is the moisture, if it goes from the PCB wall to the inlet system, then if the turbojar system will get damage. The turbocharge system is installed at the inlet of the input wall. These combustion gases along with oil particles and water particles going through the turbocharge system can also damage this turbocharger. Okay. Now, therefore, there is a provision of oil separator and moisture separator before the PCB wall. Now, how the PCB wall operates? Now, here is a diagram of a PCB wall. ये पीसीबी वॉल आप देखिए इस डायग्राम में. यहां पर एक जो इनलेट साइड है, दिस इनलेट साइड ऑफ द पीसीबी वॉल इज कनेक्टेड टू द क्रैंकेस. द आउटलेट ऑफ द पीसीबी वॉल इज कनेक्टेड टू द इनलेट मैनिफोल्ड एंड बिटवीन दिस आउटलेट एंड इनलेट, okay, there is a spring
एंड देर इज स्प्रिंग एंड देर इज दिस पीसीबी वॉल विच इज पोजिशन इन साइड दिस स्प्रिंग. दिस स्प्रिंग हियर दिस स्प्रिंग इज प्रोवाइडेड टू बैलेंस द मैनिफोल्ड प्रेशर एंड क्रैंकेज प्रेशर. द स्प्रिंग हियर ऑपरेट्स ऑन द मैनिफोल्ड प्रेशर. The manifold pressure here is a vacuum pressure. When the vacuum in the inlet manifold is more, the spring stops the flow of gases from the crankcase to the inlet manifold by closing this PCB valve. When the pressure inside this inlet manifold drops, the spring expands, and as the spring expands, the valve is open, and when this valve opens, the gases from the crankcase moves towards the inlet manifold of the engine. Now when is this inlet valve closed, or when the manifold, this PCV valve is closed, there are three important conditions: when the engine is at idle, when the engine is at cruising, and when there is a light load operation of the engine. In these three cases, this PCV valve restricts the airflow to the engine, and by doing this, it maintains the proper air fuel ratios. These proper air fuel ratios are very much important at these three operating conditions, which are this idle condition, cruising condition, and light load operating conditions. Okay, during these conditions, the manifold pressure is very high. And due to this manifold high pressure, the spring is in the compressed condition. And when this spring is in the compressed condition, the PCB valve is in closed condition. Okay. यहाँ तक सभी को समझ में आया या किसी को doubt है तो अभी question पूछ के doubt clear कर लो. Any doubt? किसी एक ने फीडबैक दिया तो भी चलेगा. किसी को डाउट है? ओके. नाउ व्हेन दिस एयर फ्लोज, ये एयर कब फ्लो हो जाता है, तो यहां पर मैंने केसेस प्रेजेंट किया है. नाउ इन दिस फर्स्ट फिगर देयर इज अ हायर स्पीड, हेवी लोड ऑन द इंजिन, एंड due to this at the high speed and high load on the engine, the manifold vacuum drops. The manifold vacuum drops. Due to this, what happens? The spring expands to some extent, and it opens this valve. And this, as this valve opens, the air from the crankcase is diverted to the inlet valve. Okay. Then, during the cranking, what is happened? The engine backfires, and due to which, what happens? It causes a high pressure in the intake manifold, and this high pressure, what does this high pressure reduces the inlet vacuum, and as this inlet vacuum is closed, the spring expands to at high degree, at to its fullest extent, and in this condition, the PCB valve is at extreme condition, at this extreme condition, and at this condition also, the valve is in block condition. You see, this valve is at
at the extreme left, and at the extreme left it closes the valve. So the PCV valve is closed at the extreme ends, at the extreme left and at the extreme right. Okay, and due to this, there is a no flow of the combustion gases from the crankcase to the inlet manifold. Okay, so this is the mode of operation of this PCV valve. Okay, now the next important concept is the orifice control systems. It is also related with our PCV valve. Okay, यहाँ तक ये PCV valve का operation सभी को समझ में आया या doubt है तो अभी clear कीजिए. Is anybody having the doubt? No, sir. Okay. The next is the orifice control system. The closed PCV system used on some four-cylinder engines contains a calibrated orifice instead of PCV valve. अभी कुछ कुछ systems जैसे कि four-cylinder engines है, कुछ not all the systems, some systems वो PCV valve के जगह एक orifice use करते हैं. This orifice may be in the valve cover or in the intake manifold or in the hose connected between the valve cover, air cleaner and the intake manifold. अभी ये जो orifice का position कहाँ कहाँ पे हो सकता है? ये जो होस मतलब क्या, इट इज वन पाइप एंड दैट इज कनेक्टेड बिटवीन द वॉल कवर, एयर क्लीनर एंड इंटेक मैनिफोल्ड. ये होस में ये ओरिफाइस कहां पर भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, व्हाइल सिस्टम्स वर्क द सेम एज द पीसीबी वॉल सिस्टम, they may not use fresh air scavenging of the crankcases. Okay, now see here what happens ki ye jo PCV system jab operate karta hai, okay, tab ye kya karta hai, there is a no provision of fresh air coming inside the crankcase. Okay, agar humne kya kiya, ye burn gases crankcase mein jama hona start ho gaya aur ye accumulate ho jate hain, तो ये हम पीसीवी वॉल से इनलेट में करते. लेकिन अगर हमने इसको वहां पे फ्रेश एयर का इनलेट प्रोवाइड किया, तो फ्रेश एयर का इनलेट प्रोवाइड करने से इनका जो ये है, इनका जो फ्लो है, इनका जो टेंडेंसी है एक्युमुलेशन होने हो जाने का क्रैंक केस में, ये काफी हद से रिड्यूस हो जाता है. ओके, नाउ this crankcase vapors are drawn into this intake manifold in calibrated amounts that is dependent on the manifold pressure and the orifice size. Orifice size bole to kya, jo orifice ke center ka jo diameter hai, that diameter determines the orifice size. Okay, and also the manifold pressure. मैनिफोल्ड प्रेशर बोले तो जितना वैक्यूम हमारे सिस्टम में है, दैट इज द मैनिफोल्ड प्रेशर. नाउ इफ द वेपर अवेलेबिलिटी इज लो एज ड्यूरिंग आइडलिंग, एयर इज ड्रॉन इन विद द वेपर्स ड्यूरिंग द ऑफ आइडल पोजिशन, द एक्सेस वेपर्स आर सेंड टू द एयर क्लीनर. ओके, नाउ अगर हमारे क्रैंकेस में ज्यादा कंबशन गैसेस नहीं है, ओके, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ओके, नाउ उसके वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो आइडलिंग कंडीशन है, वो आइडलिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे ज्यादा से ज्यादा हम जो कंबशन गैसेस है वो हम सिस्टम में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे. और जब भी हमारा ऑफ आइडल ऑपरेशन है, जब भी हम हमारा
आइडलिंग ऑपरेशन स्टॉप हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, ये जो गैसेस है या वेपर्स भी है, इसको फिर से हम एयर क्लीनर से हमारे सिस्टम में एडमिट करते हैं, ओरिफाइस से हम सेंड करते हैं। ओके, नाउ दिस सेपरेटर सिस्टम, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया जी टर्बो चार्जर, ये टर्बो चार्जर क्या होता है, जैसे कि एक टर्बो चार्जर एक बेसिक एक डिवाइस है, वो क्या करता है कि हमारे जो एग्जॉस्ट में से जो गैसेस पास होते हैं उनका जो वेलोसिटी काफी हाई होता है, और इस हाई वेलोसिटी गैसेस से हम क्या करते हैं, एक स्मॉल टर्बाइन हम ऑपरेट करते हैं, और ये स्मॉल टर्बाइन से हम क्या करते हैं अपने को, वी आर गेटिंग अ रोटरी मोशन। ओके, एंड नाउ दिस रोटरी मोशन ऑफ दिस टर्बाइन इज यूज्ड फॉर कॉम्प्रेसिंग द इनलेट एयर, जो इनलेट एयर होता है ना उसको कॉम्प्रेस करने के लिए हम ये वी आर टेकिंग दिस। ओके, नाउ जैसे कि हम ये एयर कॉम्प्रेस करते हैं, ये एयर का डेंसिटी बढ़ जाता है, और ये हाई डेंसिटी एयर हम इनपुट को सप्लाई करते हैं और द इनलेट मैनिफोल्ड को सप्लाई करते हैं, और जैसे कि हाई डेंस एयर अगर हमने सप्लाई किया तो इसके वजह से क्या हो जाता है, हमारा इंजन का पावर आउटपुट बढ़ जाता है, इसीलिए हम ये टर्बोचार्ज यूज करते हैं। अगर हम ये टर्बोचार्जर हमारा पीसीवी दैट इज अ पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन में के बीच में आता है, तब ये जो ऑयल्स और मॉइस्चर पार्टिकल्स फ्रॉम द क्रैंकेस कैन डैमेज दिस टर्बोचार्जर, देयरफॉर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स वी आर यूजिंग द सेपरेटर्स। ओके, नाउ द टर्बोचार्ज एंड मेनी फ्यूल इंजेक्टेड इंजिन्स यूज एन ऑयल वेपर और ऑयल वाटर सेपरेटर एंड अ कैलिब्रेटेड ऑरिफाइस इंस्टेड ऑफ अ पीसीबी वॉल। तो ये जहां पर ये सेपरेटर यूज किया जाता है वहां पर हम पीसीबी के जगह पीसीबी वॉल के अलावा हम वहां पर ऑरिफाइस यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस द इनटेक एयर थ्रोटल बॉडी एक्ट्स एज अ सोर्स फॉर क्रैंकेस वेंटिलेशन वैक्यूम एंड कैलिब्रेटेड ओरिफाइस एक्ट एज अ मीटरिंग डिवाइस। अभी जो हम इनटेक मैनिफोल्ड होता है जहां से आप एयर का इनटेक लेते हैं दैट इज वी कॉल्ड एज अ थ्रोटल बॉडी। ठीक है, अभी ये जो थ्रोटल बॉडी होता है ना, ये थ्रोटल बॉडी इट एक्ट्स एज अ वैक्यूम मीडिया क्रैंकेस के जो गैसेस को सक करने के लिए, ये थ्रोटल बॉडी एक्ट्स एज अ वैक्यूम मीडियम एंड इट सक्स द गैसेस फ्रॉम द क्रैंकेस इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड, और जो जितना अपने को गैस क्रैंकेस से हमारे इनटेक मैनिफोल्ड में सेंड करना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी आर यूजिंग एन ओरिफाइस, और एंड दिस ओरिफाइस एक्ट एज अ मीटरिंग डिवाइस। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द विस्लिंग इंजिन। ये विस्लिंग इंजिन क्या होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जब ओल्डर व्हीकल्स जैसे कि गाड़ी अपना ज्यादा पुरानी हो जाता है, ओके, दिस आर बीन डायग्नोसिस फॉर द विस्लिंग साउंड वेन एवर द इंजिन इज रनिंग स्पेशली एट द आइडल। ओके, एंड इट वॉज फाइनली डिस्कवर दैट the breather in the wall cover was plugged and caused high vacuum in the crankcase. Okay, now the engine was sucking air from what was likely the rear main seal lip making a whistle noise. Okay, then after replacing the breather and the PCB the noise has stopped. मतलब इसका क्या है कि जैसे एक इंजन जब हम आइडलिंग करते हैं तब आइडलिंग के वक्त उसमें ऐसा
विस्लिंग का साउंड आता है, ऐसे सीटी बजती है। वो सीटी बजना मतलब कुछ इंजन के ऑपरेशन में डिफेक्ट है। और ये डिफेक्ट क्यों होता है, जब हमारे क्रैंकेस में ज्यादा वैक्यूम जनरेट हो जाता है। हमारे क्रैंकेस में जब ज्यादा वैक्यूम कब जनरेट हो जाएगा, जब हमारा पीसीबी वॉल क्या करता है, ओपन कंडीशन में है। और ओपन कंडीशन में ये क्या करता है कि जो इंजन का जो वैक्यूम है ना, वो इंजन का वैक्यूम हमारे क्रैंकेस को सप्लाई करता है, ठीक है। और इसके वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो इंजन जो है ना, ओके, इंजन हमारा एयर कहां से सक करेगा, जो जो सील्स होते हैं पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच में जो सील्स होते हैं ना, वो सील्स में से हमारा जो इनलेट सिस्टम है वो क्या करेगा, वो हमारा एयर सक करेगा, ठीक है। और इसके वजह से ऐसा विस्लिंग का साउंड हमारे सिस्टम में आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये सिस्टम का अगर प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमारा पीसीबी वॉल डिफेक्टिव है। अगर हमने पीसीबी वॉल डिफेक्टिव हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम अपने को आ रहा है, तो अपने को ये पीसीबी वॉल रिप्लेस करना पड़ेगा कि जिसके वजह से हमारे नॉइस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीसीबी सिस्टम डायग्नोसिस। हमारा पीसीबी सिस्टम का ये पीसीबी वॉल प्रॉपरली ऑपरेट करता है या नहीं ऑपरेट करता, ये चेक करने का भी हमारा काम है। इसको चेक करने के लिए देयर आर सम सिंपल मेथड्स। ये सिंपल मेथड यूज करके हम पीसीबी सिस्टम का डायग्नोसिस कर सकते हैं, ओके। व्हेन द एयर फ्लोस फ्रीली द पीसीबी सिस्टम फंक्शंस प्रॉपरली एज लॉन्ग एज द पीसीबी वॉल और द ओरिफाइस इज नॉट क्लॉग्ड, ठीक है। अभी ये पीसीबी सिस्टम है और ये क्यू और जो ओरिफाइस है, ये हमारा क्लॉग होने का संभावना हो सकता है। अगर ये अपना सिस्टम क्लॉग नहीं है तो हमारा एयर का फ्लो प्रॉपरली होता है, ठीक है। मॉडर्न इंजिन्स डिजाइन्स इंक्लूड द एयर एंड वेपर फ्लो एज अ कैलिब्रेटेड पार्ट ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर। अभी जो इंजिन्स है उसमें एयर फ्यूल रेशियो जो होता है ना, हमारा प्रॉपरली मॉनिटर करके कंबशन चेंबर में जाता है, ठीक है। लेकिन सम इंजिन्स रिसीव एज मच एज 30% ऑफ देयर आइडल एयर थ्रू द पीसीबी सिस्टम। लेकिन जब हमारा आइडलिंग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइडलिंग के वक्त हमारा पीसीबी वॉल क्लोज होना जरूरी है, लेकिन आइडलिंग के वक्त अपना पीसीबी वॉल ओपन रहता है, और इसके वजह से हमारा जो एग्जॉस्ट के गैसेस है वो हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, द फ्लो प्रॉब्लम इन द पीसीबी सिस्टम रिजल्ट्स इन द ड्राइवेबिलिटी प्रॉब्लम्स। अभी आइडलिंग आपका रफ हो जाएगा। आइडलिंग आपका रफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका पीसीबी वॉल में प्रॉब्लम है। पीसीबी वॉल आपका ओपन रह रहा है, पीसीबी वॉल में डिफेक्ट है। आइडलिंग के वक्त जो क्लोज होना चाहिए, आइडलिंग के वक्त आपका पीसीबी वॉल ओपन रहता है, और इसके वजह से प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो इज नॉट सप्लाइड टू योर इंजिन्स एंड दैट अकर्स द ड्राइवेबिलिटी प्रॉब्लम्स, ओके। अभी इसका कारण क्या है, अ ब्लॉक और अ प्लग पीसीबी सिस्टम इज अ कॉज ऑफ हाई ऑयल कंजम्पशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू मेनी ऑयल लीक्स। यदि आपका पीसीबी सिस्टम ब्लॉक हो गया कहां पर भी, जैसे कि ब्लॉकेज आ गए, ठीक है, ब्लॉकेज क्यों आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ डस्ट डर्ट पार्टिकल्स, सिस्टम में कुछ ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो इसके वजह से आपका जो ऑयल कंजम्पशन है वो काफी हाई हो जाएगा। ऑयल कंजम्पशन क्यों हाई हो जाएगा, क्योंकि ये पीसीबी सिस्टम क्या करेगा, ये जो ऑयल्स है, दैट ऑयल्स विल बी डाइवर्टेड टू डायरेक्टली टू योर इंजिन्स एंड दिस विल कॉज द कंबशन ऑफ दिस ऑयल पार्टिकल्स एंड रिजल्ट इन हाई ऑयल कंजम्पशन। तो इसीलिए आपका अगर हाई ऑयल कंजम्पशन होता है तो मैकेनिक आपको बोलता है
कि आपके इंजन का काम करना जरूरी है, आपके इंजन का ओवर ऑयलिंग करना जरूरी है। तो इस केस में एक सिंपल आप ट्रिक कर सकते हैं, ये पीसीबी वाल चेक करो और ये पीसीबी वाल एकदम छोटा सा चीज होता है, उसको रिप्लेस करो और चेक करो आपके ऑयल का कंजम्पशन लो हो गया तो आपने प्रॉब्लम प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया और उसको ठीक किया। ठीक है, सो दिस पीसीबी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिस्टम्स। ओके, अभी एक अपना एक केस स्टडी है। जैसे कि हम इंजन जब बंद करेंगे तब अपने को ऑयल लीकेज आइडेंटिफाई करना है। तो एक यहाँ पे केस स्टडी है, ये कस्टमर था जो अपना फोर व्हीलर यूज करता था, वो एक टेक्नीशियन के पास गया और वो टेक्नीशियन के पास उसने क्या प्रॉब्लम बताया कि जब भी वो अपना इंजन बंद करता था तो उसको आउटपुट में से ऑयल की बदबू आती थी। व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ द इंजिन, फ्रॉम द एग्जॉस्ट देयर वॉज अ स्मेल ऑफ ऑयल बर्निंग और द फ्रॉम द एग्जॉस्ट देयर इज अ स्मेल ऑफ ऑयल्स। तो ये ऑयल का जो था वो प्रॉब्लम उसको वहां पे दिखाई दिया। तो टेक्नीशियन ने तुरंत आइडेंटिफाई किया कि उनका जो रॉकर कवर की जो गैस्केट है वो गैस्केट में कहां तो लीकेज होगा। तभी जो ओनर था ना उसको आप उन्होंने पूछा कि आपको ये जो बदबू है ऑयल की जो इंजन बंद करने के बाद ही आती है या इंजन ऑपरेट होता है तब आती है। तब उस कस्टमर ने बताया कि मुझे इंजन बंद करने के बाद ही ये बदबू आती है। तो जो टेक्नीशियन का काम होता है ना फिर से वो और आसान हो जाता है। आप कस्टमर को जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना आपका जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है ना वो उतना सटीक हो जाता है। ओके, अभी तब टेक्नीशियन को कहां पे प्रॉब्लम है वो उसको आइडेंटिफाई हो गया। तो टेक्नीशियन को जैसे पहले लगता था कि गैस्केट के इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन गैस्केट के यहाँ पे कहां पे प्रॉब्लम है, देयर विल बी प्रॉब्लम एट वेरियस लोकेशन अराउंड द गैस्केट्स बट वेयर इज द प्रॉपर लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। So he got the proper location of the problem is in the PCV system, that is a positive crankcase ventilation system. Now what is the problem? When the engine stops, the engine vacuum disappears. ये तो होना ही है, जैसे हम इंजन को स्टॉप करेंगे हमारे इनलेट मैनिफोल्ड में से वैक्यूम ड्रॉप हो जाएगा। ओके, जैसे कि हमारा वैक्यूम ड्रॉप हो जाएगा द ऑयल इन द अपर रीजन ऑफ द इंजिन will tend to flow down and out of any of the openings. जो हमारा ऑयल होता है ना वो ऑयल क्या हो जाएगा, जब हमारा वैक्यूम जब स्टॉप हो जाएगा तो जो ऑयल होता है जहां पर लीकेज है वो ऑयल हमारे एग्जॉस्ट में से बाहर चला जाएगा। ओके, और इसके जब इंजन स्टॉप होता है तभी हमारा ये सिस्टम ऐसा काम करेगा, मतलब देयर विल बी द लीकेज फ्रॉम द रॉकर कवर ऑफ द गैस्केट इन टू द इंजिन and from the engine towards the exhaust of the automobile. Okay, तो उसको problem समझ में आया और इस हिसाब से उन्होंने जो positive जो crankcase ventilation का जो PCB valve था, जो PCB valve का उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने उसका replacement किया। ठीक है, so in this way this problem was properly identified and solved. अभी किसी को दिक्कत है, अभी किसी को प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दे कैन आस्क मी द क्वेश्चंस नाउ एंड द रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ दिस लेक्चर विल बी पोस्टेड ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। यस, एनी प्रॉब्लम? नहीं, पीपीटी शेयर किया है क्या? हेलो, हाँ बोलिए सर, आपने ये पीपीटी शेयर किया है ना? हाँ, ये पीपीटी जब हमारा ये पीपीटी जो है, ये पीपीटी हम आपको ये जो वीडियो सेशन है ये हम आपके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे एंड दिस पीपीटी विल बी सेंड टू यू ऑन योर गूगल क्लासरूम लिंक। जो हमने आपको एक गूगल क्लासरूम का लिंक हमने सेंड किया है उसमें हम ये सब पीपीटी जो हमारे क्लास में कवर हो चुके होंगे उस पर अपलोड किए जाएंगे। अलॉन्ग विद डैट आई विल ऑल्सो पोस्ट सम असाइनमेंट्स फॉर योर होमवर्क। यू हैव टू कम्प्लीट दिस असाइनमेंट विथ हेल्प ऑफ दिस पीपीटीज।
ओके सर, यस एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम सर? ये सर एक एक्सप्लेन करो ना सर एक बार, चेक फॉर ऑयल लीक विद द इंजन ऑफ। ओके, मतलब यहाँ पर देखिए एक कस्टमर था, एक कस्टमर एक टेक्नीशियन के पास चला जाता है और उसको बताता है, जब वो इंजन ऑफ करता है तभी उसके आउटपुट में से जहां पर से इंजन में से धुआं बाहर आता है हमारे टेल पाइप में से, वहां पर उसको जो ऑयल कंजम्पशन का बदबू आता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम वो टेक्नीशियन को बताता है। तब टेक्नीशियन क्या दिमाग लगाता है कि यहाँ पर कहां से तो ऑयल का लीकेज है, लेकिन वो लीकेज का पोजीशन कहां पर है वो उसको मालूम नहीं था। तो उसको पूछता है कि आपको ये ऑयल का जो स्मेल है वो इंजन ऑफ करने के बाद ही आता है या उससे पहले आता है? तब वो ओनर उसको बताता है कि जब मैं इंजन का ऑफ करता हूं तभी मुझे वो बदबू आता है। तो टेक्नीशियन क्या दिमाग लगाता है, जब इंजन ऑफ हो जाता है तो जो वैक्यूम होता है इनलेट का वैक्यूम, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, अपना वैक्यूम एकदम ऑफ हो जाता है। और जब ये वैक्यूम ऑफ हो जाता है एंड दिस वैक्यूम डिसअपीयर्स, जो ऑयल होता है इंजन के अपर रीजन्स में वो क्या हो जाता है, दैट फ्लोट्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये जो वैक्यूम होता है ये कहां से आता है, बल्कि ये अपना जो रॉकर आर्म है, जो इंजन का रॉकर आर्म होता है ना, वो रॉकर आर्म में से वहां पर जो गैस्केट होता है वो गैस्केट में से लीक होके हमारे इंजन में आता है। और ये सिस्टम में से कब बाहर जाता है, जब हमारा इंजन का जब वैक्यूम जो होता है ना, वैक्यूम जब पूरा ऑफ हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, तभी ये सिस्टम में से बाहर चला आता है। और ये कंडीशन कब होता है, जब हम इंजन ऑफ करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम हमारे टेक्नीशियन ने इस हिसाब से डिटेक्ट किया था। ठीक है, अभी आया समझ में? हेलो, यस सर। ओके, सो आई विल स्टॉप दिस लेक्चर नाउ। I will send you the recorded versions on your WhatsApp group. Okay. Hello, sir. हाँ बोला। सर अपना एक सब्जेक्ट है सर, वो हो रहा ही नहीं सर। कौन सा सब्जेक्ट? सर कौन से, एक मिनट में देखता हूँ सिलेबस में। सर मैं आपको बाद में बोलता हूँ। Okay, okay. उसीर सर। हाँ suspension system में। Okay, I will tell them. No problem.